हो जाता है, क्या कुछ मर्डर हो जाता है उसका, कुछ भी हो सकता है। क्या अकेला लड़की है वहाँ पे, मतलब सो हेलो गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, तो आप लोगों ने क्लिप तो देख चुके होंगे। मतलब क्लिप में ऐसा है, एक लड़की वहाँ पे बैठा हुआ है और काफ़ी लोग वहाँ पे शोर मचा रहे हैं। तो एक्चुअली सीन ऐसा हुआ कि आज रात को मैं 10 बजे के अराउंड, 10 PM के अराउंड मैं वहाँ पे स्टेशन में गया था चाय पीने के लिए। तो मैं वहाँ पे चाय पी रहा था और अचानक से मैंने देखा कि एक लड़की वहाँ पे बैठा हुआ है और आसपास काफ़ी क्राउड है और काफ़ी मतलब स्लैंग लैंग्वेज एक्सचेंज हो रहा है दोनों के बीच में, मतलब क्राउड के बीच में और लड़की के बीच में। तब मैंने सोचा मतलब क्या है, कुछ तो मामला है, लड़की के साथ ऐसा हो रहा है तो नहीं होना चाहिए क्योंकि लड़की ने तो कुछ। सीन ऐसा हुआ कि मैं स्टेशन पे आया था, तो स्टेशन पे आने के बाद यहाँ पे एक लड़की है जो मिजोरम से है, वो मतलब घर से भाग के यहाँ पे आई हुई है। तो अभी यहाँ पे वो लोग 4 दिन से यहाँ पे रुके हैं। तो यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था उसका, किसी होटल में उसने खाना खाया, उसके बाद उसका जो होटल वाला था उसके साथ मिसबिहेव किया, तो कुछ दिक्कत हो गया। तो मैं आने के बाद जिसे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, जो मतलब यहाँ पे क्राउड से कुछ प्रॉब्लम हुआ। एक लड़की मिजोरम से और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, शायद वहाँ पे बैठ के सिगरेट पी रहा था। तो उसका नाम है पुष्पेंदु, उससे मैंने बात किया। ऐसा ऐसा एक बात है, एक लड़की 4 दिन से यहाँ पे है, तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो उसने बोला मैं तो अभी बाहर हूँ, तो मैं मेरे भाई को बोलता हूँ तो वो आ जाएगा, वो आसानी से आ जाएगा, उसके बाद देखते हैं क्या कर। बात किया तो मालूम चला कि लड़की कलाशिप से है। तो ये कलाशिप लोकेशन है कहाँ पे? कलाशिप है मिजोरम पे, तो हाँ मैं जहाँ पे हूँ ये सिलचर है आसाम में, तो दूसरा स्टेट का लड़की है। तो मैंने जैसे बात किया तो भाई से बात करने के बाद मतलब मालूम चला, लड़की ने भाई को बोला कि वो लड़की कलासिब से है और वो अपने घर से भाग चुकी है, 4 दिन हो चुका है वो यहाँ पे है, मतलब घर जाना नहीं चाहता है। तो हम लोगों बोला ठीक है तुम, हम लोगों ने सोचा कि सिलचर रेलवे स्टेशन तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो एक काम किया जा सकता है, हम लोग अगर उसको लड़की को लेके जाएंगे मिजोरम हाउस पे तो वहाँ पे अच्छा रहेगा क्योंकि वहाँ पे उसको सेफ्टी मिलेगा। तो वहाँ पे तो ऐसा सोचा हम लोगों ने, तो हम लोगों ने बात किया कि हमें आप लोग को मैं आपको लेके मिजोरम हाउस में छोड़ देता हूँ, तो वहाँ से आप बाद में घर चले जाएंगे। तो उसने बोला मुझे घर नहीं जाना, मैं मुझे यहाँ पे ही रहना है यार, मिजोरम अगर मैं चला गया मिजोरम हाउस में तो वो लोग मेरा फैमिली वाला को इन्फॉर्म कर देगा और मुझे लेके जाएगा, जो मुझे नहीं घर में नहीं जाना। तो अभी 18 ईयर्स के ऊपर लड़की है, तो उससे बहस भी नहीं करने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि बाद में कुछ दूसरा केस हो जाएगा। तो हमने सोचा अभी क्या करना है, तो हमने सोचा पहले रेलवे पुलिस से बात करता हूँ। तो रेलवे पुलिस से बात करने से वहाँ पे आसपास देखा कोई है, था नहीं रेलवे पुलिस। तो हम लोगों ने सोचा अच्छा होगा कि हम मतलब जो रेलवे स्टेशन का एरिया है उसका नाम है तारापुर, तो तारापुर का जो इंचार्ज है उनसे बात करता हूँ, पुलिस इंचार्ज से। तो जैसे ही हम लोग वहाँ पे स्टेशन पे गया तो हम लोगों ने इंचार्ज से बात किया, तो सबसे अच्छा चीज़ मुझे जो लगा तब तारापुर का पुलिस इंचार्ज ने बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स किया आपको, मतलब का अंदर का वीडियो मैंने नहीं डाला क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज़, तो वहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते, वीडियो नहीं कर सकते, तो अंदर वीडियो नहीं किया मैंने। तो बाहर आ गया मैं, तो बाहर आने के बाद अभी पुलिस से बात किया, तो उन्होंने फीमेल पुलिस से बात किया, तो अभी आएगा पुलिस का गाड़ी आ चुका है यहाँ पे। तो पीछे लेडी कॉन्स्टेबल भी है, फ्लैश ऑन करके आ रहे। तो अभी हम लोग जाएंगे वहाँ पे और जाके बात करेंगे। वहाँ पे वो लड़की बैठा हुआ है, आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, वो रहा लड़की यहाँ पे बैठा हुआ है, उससे कोई कुछ लड़का बात भी कर रहा है। तो अभी जाके बात करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है इससे। तो एक्चुअली बात क्या है, मैं सामने जाके वीडियो रिकॉर्डिंग कर नहीं पाऊँगा क्योंकि ये वो उस लड़की को तो प्रॉब्लम है, उससे कैमरे के सामने सर पुलिस भी है तो बोल रहे हैं कि मतलब रिकॉर्डिंग कर नहीं पाऊँगा मैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, वो देखिए पुलिस के साथ खड़ा हुआ है लड़की, तो सामने में लेके नहीं जा पा रहा हूँ। तो सर भी आ चुके हैं, तो आने के बाद मैं सर से बात करता हूँ क्या होता है। तो देखिए सर भी आ चुके हैं पीछे से, आप देख सकते हैं, वो देखिए सर भी आ चुके हैं, बात हो रहा है उन लोग का। तो सामने जाके मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने का। तो अभी बात हो चुका है पुलिस से, तो पुलिस ने बोला आज तो अभी तो रात हो चुका है तो अभी कुछ नहीं कर सकते, तो मिजोरम पुलिस को इन्फॉर्म करा जाएगा कल सुबह को। तो अभी मतलब स्टेशन के अंदर ही वो रहेगा, तो वहाँ पे रहेगा और वहाँ पे स्टेशन में जो पुलिस है उन लोग को इन्फॉर्म कर मतलब कर दिया गया है, तो अभी वहाँ पे सेफ़ है। तो स्टेशन के अंदर है, पहले बाहर था, अभी अंदर जा चुका है, तो अभी सेफ़ है। तो बाद में कल सुबह को जाके लोग मिजोरम पुलिस के पास इन्फॉर्म होगा कि ऐसा कोई लड़की है यहाँ पे आ चुके हैं, तो अब इसके बाद क्या होगा तो देखा जाएगा। तो आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है, तो आई होप। तो भाई लोगों ने काफ़ी मुझे हेल्प किया, तो मैं भाई लोगों से बात करता हूँ। तो भाई लोग थोड़ा, मैं थोड़ा ब्लॉगिंग कर रहा था, ठीक है। तो ये भाई आपका नाम क्या है भाई? शुभम पॉल। शुभम, और आपका भाई? शांतनु रॉय। तो हम लोगों ने जाके पुलिस में बात किया, बात करने के बाद पुलिस आया, तो पुलिस अभी जा रहा है, आप देख सकते हैं पुलिस अभी जा रहा है। तो बात किया,
तो उससे बोला सब कुछ सही है तो कोई दिक्कत नहीं होगा कुछ नहीं। तो सिलचर का पुलिस ने काफ़ी हेल्प किया और क्विक रेस्पॉन्स किया तो बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं जाए जैसे ही स्टेशन गया तो उन लोगों ने काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स किया और उन लोग आया हम लोग के साथ और यहाँ पे आके जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का कोशिश किया। तो सबसे अच्छा चीज़ मतलब एक चीज़ मतलब बोलते ना पुलिस हमेशा लेट होता है, लेकिन यहाँ पे इन केस में आज का जो केस था इसमें पुलिस ने काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स किया, बहुत जल्दी रेस्पॉन्स किया तो इसलिए बहुत अच्छा लगा। तो सिलचर पुलिस के लिए मतलब थैंक्स, काफ़ी उन लोगों ने अच्छा रेस्पॉन्स किया। आई होप ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अभी ऑफिसर ने बोला, हाँ ऑफिसर ने बोला अभी कल उन लोग जाके मिजोरम में मतलब मिजोरम पुलिस के पास एक रिपोर्ट देंगे ऐसा ऐसा हुआ है, तो वहाँ पे आके कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। तो आई होप कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो अभी के लिए इतना ही।